होप सो। भी जो आवाज है बड़ी जल्दी जो है आप तक पहुंच जाएगी, और अभी जो आवाज है आई होप सो बिल्कुल पहुंच चुकी होगी आपके पास। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑल क्लियर है या नहीं, ठीक है, और फिर चलेंगे हम आज के सेशन की तरफ। नाउ क्लियर। तो दोस्तों जब मैं शुरुआत जो है कर रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था, जब तक मुझे नहीं पता लगा कि मेरी आवाज आ भी है या नहीं, क्योंकि हर रोज मैं पूछता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आज उसमें थोड़ा जो है यही पूछा कि एक्चुअल में तैयारी चल कैसे रही है, आप जरूर बताएं, लेकिन आवाज ही नहीं पहुंची तो आप क्या ही बताएंगे, जरूर बताएं। और कैसी है आपकी सेहत, कैसे हैं आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, तो जरूर बताएं। और मैं जो है आज के विचार की तरफ चलता हूं बिना कोई और वक्त है गवाए हुए। तो आज का विचार बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत इसलिए है क्योंकि दोस्तों जिंदगी में अगर आपके पास कोई मौका ही नहीं होगा कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों आप क्या ही कर पाएंगे जिंदगी में। जैसे कि आप ले लीजिए कि जो मुकेश अंबानी था या धीरू भाई अंबानी था, उनके पास बहुत कुछ था अचीव करने के लिए, लेकिन आगे उनके जो बच्चे होंगे, या फिर आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके जो पिता या माता ऑलरेडी बहुत अच्छे जो है अपनी पॉलिटिकल जो है एक पोजीशन बना चुके हैं, तो उनके बच्चों की जो अचीवमेंट्स होंगी वो कभी इतिहास उन्हें ज्यादातर नहीं काउंट करेगा। लेकिन जैसे आम लोग हैं दोस्तों, अगर वो खास बन पाते हैं, हम जो आम लोग हैं जिन्होंने, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे आप में से भी जिनके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं होगी, एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सुना भी होगा, तो अगर आप ऐसा कर पाए, अगर आप इसे अचीव कर पाए, तो मुझे लगता है आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपका जो प्रेरणा जो है दोस्तों बनेंगे, तो वैसा मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो इंसान का बच्चा भी वो नहीं बन पाएगा। तो अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली बात कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत बार हमें जो है फेल होना पड़ेगा, और जो है अंत में जब हम रेज हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, हम दोस्तों अचीव कर लेंगे, तो डेफिनेटली फिर हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी जो मिसाल देकर है, लोग यहाँ पर जो है अपने बच्चों को भी सिखाया करेंगे, तो ये जरूर है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ जी अनुकश्यप जी, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो सभी से निवेदन सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब मेरा भी जो हालचाल पूछ रहे हैं, सभी को बोलना चाहूंगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। हाँ जी, तो लतेश राजपूत बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज की पहली जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से जुड़ी है, वो जुड़ी है लायनल मेसी से। बड़े ही बेहतरीन प्लेयर हैं दोस्तों, बेहतरीन प्लेयर हैं अर्जेंटीना के, और मुझे लगता है कि रेयरेस्ट ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना होगा। तो आज ये किस वजह से न्यूज में है, आज ये न्यूज में है दोस्तों फोर्ब्स की जो है हाईएस्ट पेड, जो मैं अगर बात करूं एथलीट लिस्ट के बारे में, कल भी हमने वैसे बात की थी, आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूबल कंपनी कौन सी काउंट की गई है, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी काउंट की गई, वो भी जरूर बताएं। तो यहां पर जो लायनल मेसी हैं, जो उनको दुनिया का सबसे महंगा जो प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, लगभग हम बात कर रहे हैं 130 मिलियन US डॉलर्स की, इतना जो पैसा इन्होंने कमाया। आज कुछ पेन में भी प्रॉब्लम चल रही है तो शायद सही से है, क्लिक नहीं हो रहा, तो 130 मिलियन कमा के दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले ये प्लेयर बने हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं वो लेब्रोन जेम्स हैं जो अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और तीसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगीज के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। तो ये अमेरिका की मैगजीन है और बहुत तरह के इस तरह के जो सर्वे है वो करती है, और इंडिया में नंबर वन रिलायंस जो कि 53 में नंबर थी, और नंबर वन दुनिया में दैट इज द बर्कशायर हैथवे। हाँ जी, बहुत उम्दा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जो है त्रिपुरा से। रिसेंटली 5 स्टेट्स में तो हमने देखा था इलेक्शंस के बाद मुख्यमंत्री बने ही, जिसमें भगवंत मान योगी आदित्यनाथ, जिसमें प्रमोद सावंत गोवा, जिसमें एन बीरेन सिंह मणिपुर, और जिसमें उत्तराखंड में है जो धामी साहब पुष्कर धामी बने। हालांकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद वो परमानेंट बन जाएंगे क्योंकि अभी तो इलेक्शन हार गए थे, आपको जरूर याद होगा। लेकिन त्रिपुरा में वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे पहले ही बीजेपी ने दोस्तों अपने जो वहां के जो मेंबर हैं, तो जो जो शाह साहब, अभी उनका पूरा नाम जो है अभी एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा, तो जो उनको आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो जरूर उनका नाम बता दे, तो उनको हटा के
जो है माणिक शाह जी को है नए मुख्यमंत्री के तौर पे है शपथ दिला दी, द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ऑफ त्रिपुरा, और जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं लेकिन फिलहाल जो है वहां से अब रिजाइन ये दे देंगे और वहां के अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और त्रिपुरा की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्टेट है, इसका जो कैपिटल है वो अगरतला है, और जो बिप्लब देव वेरी गुड विक्रम ठाकुर तो है उनको जो है अभी रिप्लेस कर दिया है, देविका ठाकुर ने भी उनका आंसर दे ही दिया है। तो ये नए जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो पांच ऑलरेडी इलेक्शंस के थ्रू आए अपॉइंट हुए, और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें इनकी मिनिमम एज 25 होगी दोस्तों, इनको जो है मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगा उस स्टेट का गवर्नर, और ये मुख्यमंत्री की बात करें वो किसी भी वहां की विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए। अब क्योंकि ये डायरेक्ट है मुख्यमंत्री बने हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको भी वहां की विधानसभा का इलेक्शन लड़के जो है वहां का विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, जैसी बात मैं ऑलरेडी आपको पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में भी बता ही चुका हूं। फिर चलेंगे थर्ड क्वेश्चन है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो कि यूएई के नए प्रेसिडेंट के तौर दोस्तों बने हैं। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद हैज बीन अनअनाइमसली इलेक्टेड ऑफ द यूएई, और दोस्तों वहां की जो फेडरल सुप्रीम काउंसिल है उन्होंने इन्हें चुन लिया है। यहां पर मैं जो है इसको पेन ले लूं दोस्तों, और अबू धाबी की बात करें क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि दोस्तों उनके जो राष्ट्रपति साहब की डेथ हो गई, नाम लगभग लगभग सेम ही लग रहा है जिनकी डेथ हुई थी और जो ये नए जो है प्रेसिडेंट बने हैं, और अबू धाबी जिसकी हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर्स ही विल सक्सीड द शेख खलीफा बिन जायद। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो नए बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद और जिनकी जो है रिसेंटली मृत्यु हुई है शेख खलीफा बिन जायद, जिनकी 74 वर्ष की आयु में है मृत्यु हो चुकी है। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर हमारे जो युवाओं हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से नौकरी मिल सके, इसलिए वाराणसी में एक स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की गई है, तो वो भी साथ साथ जरूर याद रखने। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो जुड़ा है वो हमारी दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े एक नए प्रोग्राम जिसका नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। अब ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, गति शक्ति संचार पोर्टल जो कि अश्विनी वैष्णव जिन्हें है रिसेंटली इसको शुरुआत की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे लॉन्च किया है गति शक्ति संचार पोर्टल को, जिसका हिंदुस्तान में मुख्य मकसद है कि भारत को हर गांव को हर शहर को जो है फास्ट इंटरनेट स्पीड से जोड़ा जाए। इट विल प्रोवाइड ए रोबस्ट मैकेनिज्म टू अचीव द गोल ऑफ ब्रॉडबैंड फॉर ऑल इन्वेस्ट इन द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी जो NBM का मतलब है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चल रहा है, जिसके लिए हमें हर इंसान तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, हालांकि कल तो बात हो गई 6G की भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 6G के ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट 5G है इसे जरूर है प्रोवाइड किया जाए, और इससे ऑब्वियसली बात है जो बिजनेस है वो करने आसान होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बहुत बड़ा जो है वो इसमें हेल्पफुल होगी। और हम यहाँ पर तो चलो गवर्नमेंट का जो मकसद है डूइंग बिजनेस, लेकिन आप देख लीजिए जैसे जैसे इंटरनेट सेवाएं जो है इंक्रीज हुई हैं दोस्तों, बड़े सारे जो सेक्टर जिसमें से एजुकेशन का सेक्टर ही ले लीजिए, एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है, ड्रास्टिक रेगुलेशन है हुआ है। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज से 3-4 वर्ष पूर्व भी हर रोज इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं अपने घर बैठे बिठाए मिल जाते थे। तो एक वक्त होता था कि कोई स्टूडेंट है कोई कांगड़ा से कोई चंबा से कोई हिमाचल से किसी भी जगह से जो है अपने दोस्तों को फोन करके चलता था 5-7 साल पहले कि भाई हिमाचल चंडीगढ़ में मेरा एक कमरा रख लेना, मेरी एक सीट रख लेना और फिर मैं आऊंगा। फिर वो 2-4 इंस्टीट्यूट्स में जाके आता था, फिर वो कहीं फीस देकर वहां पर जो है बैठता था और फिर जाकर उसे 1-1.5 साल के बाद पता लगता था कि तैयारी करनी कैसी है। लेकिन अब इस ड्रास्टिक रेगुलेशन की वजह से हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने घर में बैठे ही सारी जो इंफॉर्मेशन है सारी जो अवेयरनेस है वो मिल ही जाती है। आई होप सो आप मेरे से सहमत भी होंगे, जल्दी से ये भी बता सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी, 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर दोस्तों, 2000 अगर मैं बात करूं 3 का विश्व कप हो 2007 का विश्व कप हो तो उसको जिताने में काफी अहम रोल था, और इनकी वहां पर वहां के जो शहर है क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड के टाउन विला में है, एक सड़क हादसे के दौरान है इनकी डेथ होगी। तो बेहतरीन प्लेयर थे और कई साल तक है ऑस्ट्रेलिया को अपनी सुविधाएं भी
देते रहे। तो क्रिकेटर थे और यहाँ पर जो है सेम हेयर सर यहाँ हुआ है मेरे साथ। हाँ जी, तो सभी के साथ ऐसा ही होता था मानसी पहले, और पहले सर कंपटीशन भी कम था, ऑब्वियसली है अवेयरनेस गई है तो कंपटीशन भी बड़ा है, और हर चीज में जो है अवेयरनेस बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, तो ऑब्वियसली बात आप घर में बैठ के अब उस कंपटीशन के लिए कम्पीट भी जरूर कर सकते हो। तो आदि मानव जी आपका फेवरेट प्लेयर, और बहुत दिनों बाद है आपको देखा है क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से। और यहाँ पर जो है एशले बार्टी एंड राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर, ऑस्ट्रेलिया की बात चली तो पैरेलल क्वेश्चंस भी आने शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ रेड्स। अब रेड्स सबसे पहले देख लें क्या होते हैं। रेड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज रीजनल, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर लूं पहले। हाँ जी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका आपको नाम से थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि एंटी टेररिस्ट जो आतंकवाद के खिलाफ जो है जुड़ी एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में है जी, एंड ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ एससीओ। तो एससीओ की अगर हम बात करें, सबसे पहले एससीओ का ये परमानेंट ऑर्गन है एससीओ, जिसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके टोटल अभी जो मेंबर्स हैं उनमें चाइना है, जिसमें कजाकिस्तान है, इसको मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ, कराइजिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान है। तो टोटल ये इसके मेंबर्स हैं 8। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस भी हैं, ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, डायलॉग पार्टनर है, गेस्ट अटेंडेंस है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एससीओ की इस रेड्स ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो दिल्ली में हुई है, कॉन्फ्रेंस है होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, इंडिया पाकिस्तान और जो दूसरे मेंबर्स हैं इन्होंने अपना कोऑपरेशन इंक्रीज किया जाए ताकि रीजनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है। और इन दोस्तों लास्ट ईयर एससीओ रेड्स की जो चेयरमैनशिप है एक साल के लिए भारत को मिली थी। भारत को मिलने का मतलब है कि भारत को ये जो कॉन्फ्रेंस है उसे आयोजित करना था, जो रिसेंटली दिल्ली में है आयोजित की गई। तो यहां पर एससीओ रेड्स जो कि एक ऑर्गन है, इसका फुल फॉर्म जरूर पता हो, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दिल्ली में आयोजित की गई, और इसके जो मेंबर कंट्रीज है भारत भी है और पाकिस्तान भी है, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की ये कंट्रीज उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कराइजिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना, रशिया तो है ही है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है, जो कि दोस्तों शंघाई में है, और आमतौर पर दोस्तों जो मुख्य कंट्रीज के रूप में इसके चाइना और रशिया ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो जुड़ी है एक दवाई से, एक पेस्टिसाइड से, जो अक्सर जो है जो फार्मर जो है अपने अपने खेतों में एज ए पेस्टिसाइड बहुत सारी जो जो दोस्तों वहां पर जो मच्छर या इस तरह की जो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो फसल को खराब करते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है एंडोसल्फन। ये जो एंडोसल्फन है इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में जानने से पहले बता दूं कि जो इंडोसल्फन है दुनिया के बहुत सारे जो प्रगतिशील या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ये ऑलरेडी बैन है, लेकिन भारत में अभी तक पूरे भारत में ये बैन नहीं की गई है। तो अब क्योंकि बहुत लंबे समय से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केरला गवर्नमेंट को कहा है कि भाई आपने अभी तक भी इस इंडोसल्फन की वजह से जितने किसानों की डेथ हुई थी उनको अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया। खास तौर पे केरला की अगर बात कर लें तो दोस्तों 70 के जमाने से यहाँ पर लगातार ये यूज की जा रही है, और जो काजू की जो खेती है, कैश्यू नट्स की जो फसल है वहां पर इसे यूज किया जाता था, लेकिन उसके यूज के बाद वहां के किसानों को इलनेस, पैल्सिस या डिफॉर्मेट्स जैसी बीमारियां हुई, बड़े सारे लोगों की डेथ हुई। तो अभी जो है ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 5,00,000 रुपया प्रति व्यक्ति जिनकी भी मृत्यु हुई है आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये देना पड़ेगा। ये सबसे बारे में थोड़ा और जान ले, इट इज ए वाइडली बैंड पेस्टिसाइड विद हैजर्ड्स इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन जेनेटिक एंड इंडोक्राइन सिस्टम, और दोस्तों इट डज नॉट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। तो इस वजह से बड़े सारे ये ह्यूमन जो है लॉस कर देती है, और भारत में अभी तक ये पूरी तरह से बैन नहीं है। इफेक्ट ऑन ह्यूमंस की बात करें तो इसको कार्सिनोजन भी बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन भी बोलते हैं और जेनोटॉक्सिन भी बोलते हैं, जो कि इंसान के डीएनए को ही अफेक्ट कर देती है। तो इंडोसल्फन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की, हमारे प्रधानमंत्री जी तो गए हुए हैं नेपाल, और ये कन्हारी केव्स जो कि मुंबई में स्थित हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई में है वहां पर स्थित हैं, तो वहां पर कई सारी और नई सुविधाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन है इनकी शुरुआत की गई। तो हमें ये तो पता लग ही गया कि ये जो कन्हारी केव्स हैं ये कहां पर हैं, ये मुंबई में स्थित हैं।
जो कि दूसरी से शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक है। लगभग 100 ऐसी गुफाएं हैं जो यहाँ पर कृत की गई थी। और बुद्धिज्म का जो सेक्ट है, वैसे कई सारे सेक्ट हैं, जैसे कि दोस्तों महायान्य है, वज्रयान्य है, और यहाँ पर जो हीनायान्य फेस है उससे जुड़ा आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर इन केव्स में, कन्हेरी केव्स में जो है। और यहाँ पर जो है एडिशंस वर मेड व्हेन महायान्य बुद्धिज्म वर गेनिंग ग्राउंड 5th सेंचुरी इमेजेस ऑफ द बुद्धा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पिक्चर भी आपको है एक तरफ है जरूर दिख रही होगी। और फिर जो हम बात करेंगे हमारे रामगढ़ विषादरी सेंचुरी की, जो कि राजस्थान में स्थित है, और इसको भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है वो घोषित कर दिया है। और भारत का ये अगर 52वां है, मतलब 52nd है, तो राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है दोस्तों, आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। तो इन टाइगर रिजर्व्स के नाम जरूर याद रख लें, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। और ये न्यूली जो नोटिफाइड टाइगर रिजर्व्स है इसमें जो है आप देखते हैं दोस्तों, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि नॉर्थ ईस्ट एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व साउथ साइड, उसके इन बिटवीन जो है इसकी स्थिति पड़ती है, इसकी पोजीशन पड़ती है। तो अब हिमाचल पूरे राजस्थान में 4 और पूरे भारत में 52 हो चुके हैं। और रिसेंटली ये जो बना है रामगढ़ विषादरी सेंचुरी इज नाउ ए टाइगर रिजर्व। और हमारी जो लास्ट जो न्यूज है वो जुड़ी है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी से। मैं रिपीट करता हूँ, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, अब नाम से ही क्लियर है, भारत में साइबर क्राइम्स के जो केसेस हैं लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। और दोस्तों वाज इनॉग्रेटेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ, ये हैदराबाद का जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसके प्रेमिसेस में ये नई लेबोरेटरी है, उसकी शुरुआत है, ताकि भारत में जो दोस्तों जो भी हमारे नए साइबर क्राइम्स केसेस हैं उनका रेजुलेशन, उनको जल्दी से है उनका निपटारा और सही तरीके से उनको खत्म किया जा सके। तो याद रखें हैदराबाद में शुरुआत है और नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी इसका नाम है। और मकसद बिल्कुल क्लियर है कि साइबर क्राइम्स को है उसको खत्म करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है और उन मुद्दों को सुलझा के लोगों को न्याय प्रोवाइड करना है। तो ये है आज की न्यूज। न्यूज पढ़ाते हुए ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन तो नहीं देख पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं सभी न्यूज आपको अच्छे से समझ जरूर आ गई होंगी, सभी न्यूज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से जरूर हो गई होगी, कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। और अगर ऐसा ही है तो दोस्तों एक बार ऑल क्लियर लिख सकते हैं, सेशन को शेयर लाइक भी जरूर कर दें, और साथ ही साथ है अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, और शेयर लाइक तो आप मुझे लगता है कर ही देते होंगे, आज जो है मैं देख रहा हूँ लाइक बड़े कम आए हैं, बच्चों को शायद समय नहीं मिला या फिर आप भूल गए हैं या फिर जो है कोई और रीजन है कि स्टार्टिंग में आवाज ना आने की वजह से माइंड जो है किसी और ही तरफ चला गया आपका भी। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर सुमन पूछ रहे हैं कि एंटी का प्री कब तक होगा, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि खबरें कुछ इस तरह से हैं कि जून अंत तक ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जून के लास्ट वीक तक है ये हो सकता है एग्जाम, जिसकी पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से आपके पास जो है 30 से 35 दिन का समय, तो आप जो है उसे लेकर प्लान कर सकते हैं, उसे लेकर जो है आप अपनी तैयारी को दोबारा से है रिवाइव कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हमारे अब एमसीक्यू सेशन में। और सर जो है यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को है ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, और लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन। पहला क्वेश्चन कि सब जो दोस्तों पर्सनैलिटी जो फॉरवर्ड टॉप लिस्ट में आया है हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स में आप बताएं, तो इसमें जो है रोजर फेडरर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, टॉम ब्रेडी है, लायनल मेसी है। तो फॉरवर्ड्स की टॉप 10 लिस्ट जो एथलीट्स हैं दुनिया भर के, जो सबसे व्यक्ति अमीर जो है एथलीट्स, उसमें नंबर वन जो है अर्जेंटीना का यह प्लेयर और अपने खेल का जादूगर कहा जाता है, इनका नाम है लायनल मेसी। वेरी गुड, हाँ जी बहुत अच्छा। पूर्वा, नितिश, विशाल, देविका, निर्मा, हाँ जी निर्मा ठाकुर, और स्नेह, कमल, दीक्षा, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न, त्रिपुरा के नए जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिप्लब कुमार देव के रेजिग्नेशन के बाद है जो नए मुख्यमंत्री बने, तो उनका नाम क्या है, माणिक शाह, समीर रंजन, माणिक सरकार और निरपेन चक्रवर्ती। यहां पर यह जरूर बता दूं कि त्रिपुरा के किसी टाइम जो मुख्यमंत्री है माणिक सरकार भी हुआ करते थे, लेकिन अभी तो ये नहीं है, अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है माणिक शाह। हाँ जी ठीक है। तो माणिक शाह न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा। तो देश के जो भी नए इलेक्शन है उनके मुख्यमंत्री या फिर कोई नए गवर्नर की अपॉइंटमेंट, उम्मीद करता हूं अब इतने बार हो चुकी है, आई होप सो अब आपको जरूर याद
हो गई होगी। यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ पूछना चाहूंगा कि जिनको हर रोज मेरे से ये सुनने को तो जरूर मिल जाता होगा कि ये तो चीज आपको पता ही होती होगी, ये तो चीज आपने रिवाइज कर ही ली होगी, ये तो आप बहुत बार कर ही चुके होंगे, लेकिन आपको अभी भी उसका नहीं पता, आपकी अभी भी उसकी अवेयरनेस नहीं मिली और आप सोचते हैं कि कभी ना कभी तो सर जरूर बताएंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ ये जरूर मुझे बताएं आपको, ताकि मुझे पता लग सके कि भाई कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी उम्मीद में हर रोज बैठते हैं कि आज सर है रिवीजन कराएंगे, आज वो जो नाम है जरूर लेंगे। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो जो माउंटेन गाइड है उन्होंने बोल दिया कि सर मैं तो जरूर हूँ। हाँ जी ठीक है, और सेशन ज्वाइन किया बिल्कुल जी आदि मानव, आपका जो है मैं हर रोज जिक्र करता ही हूँ क्लास में, मुझे लगता है काफी हार्ड ड्यूटी आ गई है आपकी डिपार्टमेंट में शायद इस वजह से। और बबीता कश्यप, शीतल, विशाल और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं, तो मुझे कल से दोबारा से है उस तरह से भी ये शुरू जरूर करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, आप जो है लिखा जरूर करें। हाँ जी अंजना, हाँ जी विजय, रिंकू और बहुत उम्दा। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के नए जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, मैं रिपीट करता हूँ, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई। इसका सही उत्तर है दैट इज द डी, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के नए जो है ये राष्ट्रपति बने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमारी जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी एंड मिनिस्टर हैं, गति शक्ति संचार पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये फॉर द सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल, तो कौन सी जो मिनिस्ट्री ने है इस पोर्टल को डेवेलप किया है, तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने, कम्युनिकेशन ने, रेलवे ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इसका सही उत्तर है कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ने इसे इस पोर्टल को डेवेलप किया है, गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर द सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल, और अंडर द एनबीएम नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत इसे ये जो है शुरू किया गया है। एंड्रू साइमंड्स, जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है, ये कौन से देश से है, क्रिकेट खेला करते थे, तो इसका उत्तर है, मुझे लगता है आसान है तो मैं ही दे देता हूँ, आसान प्रश्नों का उत्तर तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम है जो अब जो है आसान जो है पिच के ऊपर नहीं खेलने वाले। अब आपको जो है जैसे किसी वक्त होता था ना कि भारत जो है क्रिकेट खेलता था ज्यादातर स्पिन पिचेस के ऊपर, और जब वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाता था तो उन्हें हार्ड पिचेस का सामना करना पड़ा, तो आपको भी हार्ड क्वेश्चन हैं देने का ही अब मुझे मजा आता है, और मैं हर रोज देखता हूँ कि जितने भी हार्ड पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन आपसे, आप सभी जो है प्रश्नों के उत्तर है बहुत ही मिनट सेकंड्स में है प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक दो नहीं लगभग सारे ही स्टूडेंट्स हैं उनके उत्तर भी साथ साथ दे ही देते हैं। छठा प्रश्न, यहाँ पर जो है एससीओ से जुड़ा हुआ, जो पाकिस्तान है उसको चेयरमैनशिप मिली है दोस्तों, जो है हैज द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम रेड्स बोलते हैं, ऑफ एससीओ, और ये जो रेड्स है इसका हेडक्वार्टर उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में है। तो यहाँ पर पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक या दोनों गलत, जल्दी से बता सकते हैं, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो है ठीक लग रहा है, सिर्फ पहला गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं, एक वर्ष के लिए ये जो उपलब्धि है, ये जो चेयरमैनशिप है भारत को दी गई है, और रिसेंटली इसकी कॉन्फ्रेंस भी नई दिल्ली में है आयोजित की गई है। 8 कंट्रीज हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं, और बहुत ही जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये न्यूज है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडो सल्फन है, जो पहला जो पॉइंट इससे जुड़ा, जो केरला से जुड़ा न्यूज है दोस्तों, ये हमारी नेचुरली ये अकर नहीं होता है एनवायरनमेंट में, इसकी पैदावार नहीं होती, और दूसरा ये जो है इट इज लिस्टेड अंडर द रोटरडम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि इसको जो है जो रोटरडम कन्वेंशन के दौरान है जो है कहा गया था कि ये आप सरकार को वहां के मंत्रालयों को प्रायर इन्फॉर्म्ड है और इसकी कंसेंट लेनी बड़ी जरूरी है इस दवाई की, इस पेस्टिसाइड की, जिसका नाम है इंडोसल्फन। तो यहां पर देखें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सी, दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल ही ठीक है, बोथ आर द करेक्ट अबाउट द इंडोसल्फन, और फिलहाल इन सभी को वहां की केरला की गवर्नमेंट, जो ये किसान जिनकी डेथ हुई है, 5-5 लाख रुपए की राशि इनको सहायता वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हेरी, ये जो केव्स हैं जिनको रिसेंटली है वहां पर कई सारी सुविधाएं शुरू की गई हैं दोस्तों, ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स, तो यहां पर किसका रेफरेंस है कन्हेरी में जो दिया जाता है, जिसने आकर बड़ी सारी किताबें और नोट्स हैं यहाँ पर लिखे थे, तो सबसे पहले बता दूं ये जो कन्हेरी ये बुद्धिस्ट और हिनायान्या से जो जुड़ी हुई हैं, तो ह्यूंग त्सांग ये सारे के सारे जो है चाइनीज ट्रेवलर हैं, फाहियान, रीजन जोंगपा या नन ऑफ द अबव, और जो है हम अगर बात करें एग्जैक्ट आंसर इज फाहियान,
जो कि चाइनीज ट्रेवलर थे, और बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हैं उस समय की जब ये आए थे, इन्होंने यहाँ पर आके लिखी थी जी। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्टेट न्यूज से जुड़ा हुआ। तो रामगढ़ विषादरी सेंचुरी जो राजस्थान में है, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा। आज पेन को मैं कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जो है यहाँ पर विंडो की वजह से है, बार बार टिक नहीं किया जा रहा। और तीसरा है ये जो न्यूली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इंक्लूड द टाइगर हैबिटेट। दोस्तों इसमें जो है टाइगर की जो है हैबिटेट्स हैं, बहुत सारे रहते हैं बिटवीन रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व इसके साउथर्न साइड में है। तो यहाँ पर जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से बता दें इसका उत्तर, पहला और दूसरा ठीक, दूसरा और तीसरा ठीक, पहला और तीसरा ठीक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका जो उत्तर है सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा ही पॉइंट है इसमें बिल्कुल जो सही है। नाम याद रखें, रामगढ़ विषादरी सेंचुरी इज द करेक्ट। हाँ जी, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मुकंदरा जो है वो साउथ में है, और मुकंदरा एंड रणथंभौर, वेरी गुड। हाँ जी, पवन कुमारी, रिंकू, दीक्षा, मोनिका आदि मानव, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी है, इसको रिसेंटली कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है ताकि भारत में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स को है नकेल जो है लगाई जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर से पहले कमल खायरा कुछ पढ़ा लिख रहे हैं, पढ़ लूं कि सर डेविड वार्नर बिकम ए सिंगल फर्स्ट प्लेयर हु मेक 89 50s इन T20। हाँ जी, आजकल IPL भी खेल रहे हैं वो, और इसका सही उत्तर जो है वो हैदराबाद है, जिसको ट्री सिटी या कैपिटल जो सिटी भी जो है नाम दिया गया था। और दूसरी एक और सिटी थी अगर आपको याद है तो जरूर बता दें, यहीं पर हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात की थी, क्योंकि किसी का स्टैच्यू है यहाँ लगाया गया था, किसका स्टैच्यू लगाया गया था वो भी साथ साथ आप उत्तर दे सकते हैं, जो कि तेलंगाना की कैपिटल भी है। वेरी गुड, मुंबई और हैदराबाद स्टेट ट्री कैपिटल। और इसके साथ आज का सेशन खत्म, लेकिन सबको पता है कि हम सेशन के खत्म करने से पहले है रिवीजन जरूर करते हैं। और रिवीजन से पहले बता दूं दोस्तों, हमारे ये बड़े सारे फ्री इनिशिएटिव, इनका मजा लीजिए, आनंद लीजिए। हर रोज यूट्यूब के ऊपर हिमाचल जीके की बात हो, चाहे वो MCQs की बात हो, करंट अफेयर, सभी आपको अच्छा लगता होगा, हमारा कंटेंट, हमारी डिलीवरी, हमारी दोस्तों क्लासेस। तो सेशन को एक बार जरूर शेयर लाइक कर दिया करो आफ्टर द क्लास, और आपका ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो ये भी जरूर कर दिया कीजिए। और साथ ही साथ ये भी जरूर चाहूंगा कि अपने जो वैल्यूबल कमेंट्स जो है सजेशंस है जरूर दिया कीजिए, ताकि सेशन को और बेहतर बनाने में है आपकी सहायता भी मिल सके। तो रामानुजाचार्य भी आंसर आ चुके हैं, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी से रिवीजन। पहले हमने बात की लियोनेल मेसी की, दुनिया का सबसे महंगा और रिचेस्ट एथलीट। फिर हमने बात की माणिक शाह की, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। फिर हमने जो बात की थर्ड, शेख मोहम्मद बिन जायद की, जो UAE के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। फिर हमने बात की नेक्स्ट, गति शक्ति संचार पोर्टल की, जिसका मुख्य मकसद है भारत में जो है पूरी तरह से ब्रॉडबैंड सर्विसेज सभी को प्रोवाइड की जा सके, ताकि बिजनेस करने में सभी जगहों पे है आसानी हो सके। फिर हमने बात की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की, जिनकी मृत्यु हो गई है। दिल्ली ने है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पर उसके एक दोस्तों ग्रुप को और उसके एक जो है उसके ऑर्गन को, जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फिर हमने बात की कनेरी जो है केव्स, जहाँ जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहां पर बड़ी सारी जो है सुविधाएं, बड़ी सारी नई जो है इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट द्वारा। फिर इंडो सल्फन विक्टिम केस, और यहाँ पर केरला के सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि विक्टिम्स को 3 महीने के अंदर अंदर 5 लाख रुपया दिया जाए। रामगढ़ विषादरी सेंचुरी, जो कि राजस्थान की 52वां जो भारत का 52वां जो टाइगर रिजर्व बना है, और जो है नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब, और जिसकी जो स्थापना है साइबर क्राइम्स को खत्म करने के लिए हैदराबाद में वो की गई है। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मोटिवेट करने की हर रोज जो कोशिश होती है उसमें काफी हद तक है हम कामयाब भी होते होंगे। अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दें, सेशन को शेयर लाइक है जरूर करते रहें। और देशराज ने लिखा है 50,000, तो दोस्तों 50,000 जो है सब्सक्राइबर जरूर हो जाए कल के सेशन से पहले, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। देखते हैं, वैसे मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट्स ज्यादा बातों को सीरियसली नहीं लेते, जब मैं पूरा मोटिवेट करके उनसे कुछ मांगता हूँ या उनसे कुछ करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखते हैं कल तक 4,000 होते हैं नहीं होते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।